नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आप लोग को पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ना हमारे यहाँ बैंगलोर में देखिए, हमारे यहाँ सब जगह लाइटिंग पूरा हुआ है। शायद यहाँ का कुछ ना त्यौहार वगैरह है, तीन चार दिन से पूरा घर सजाया गया है, मतलब सब जगह लाइटिंग हुई है। मैं अपने घर से आप लोग को दिखाऊंगी, 9th फ्लोर से पूरा, मतलब उधर गाँव साइड में ना पूरा एकदम इतना पूरा ऐसा लग रहा है कि दिवाली में ऐसा नहीं होता है, इतना अभी हुआ है। कुछ तो त्यौहार है, लाइट नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा दूर घूमने के लिए, गर्मियों का मौसम है, थोड़ा घूम जाते हैं। हम दोनों लोग जा रहे हैं, बच्चे घर से ही हैं। बच्चों से बोला चलोगे, बोलते नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, आप जाते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है मेरे, वो लोग घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। इतना ब्रेक करा रहा है, तो अभी हम लोग आ गए हैं सिटी तरफ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी तरफ आए। हमारे इधर से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी इधर ही है। अभी हेड ऑफिस में जाते हैं, यहाँ से मतलब दूसरी जगह हो गया है, लेकिन पहले यहीं आते थे, अभी हेड ऑफिस में जाते हैं। तो आज छुट्टी है तो भीड़ भी बहुत है, तो बने रहिए आप लोग। मैं अपने हस्बैंड का ऑफिस दिखाती हूँ आप लोग को, अभी अपने हस्बैंड का ऑफिस दिखाती हूँ मैं। अभी यहाँ पहले यहाँ था, अभी चेंज हो गया है, तो यहाँ से लोकेशन चेंज हुआ है। अभी हेड ऑफिस वहाँ पे है, साजापुर साइड में है, उधर गए हैं। अभी उधर मतलब लोकेशन चेंज कर दिया है हस्बैंड लोग का। अभी यहाँ पे उनकी टीम यहाँ नहीं बैठती, उनकी टीम वहाँ हेड ऑफिस में जाती है। और ये ऑफिस में मतलब जिसका जैसा प्रोजेक्ट रहता है वैसा वैसा उनको भेज दिया लोकेशन के हिसाब से। साइड में सब पूरी आईटी कंपनी है, पूरा आईटी कंपनी है। ये मैं दिखाती रहती हूँ आप लोगों को वीडियो में, आप लोग देखते रहिएगा। दोनों साइड में ही है, तो दोनों साइड तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, एक साइड ही दिखा सकती हूँ। और यहाँ पे मालूम है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है, देखते चलिए। तो देखिए, अभी आगे कंपनी है, ये सब आईटी कंपनी है। तो मैंने दोनों साइड से आप लोग को दिखा दिए। अभी मुझे लाइव भी आना है, मुझे जल्दी जल्दी भागना है घर से, क्योंकि अगर लाइव में लेट हो जाता है तो आप लोग वेट करते रहते हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो हस्बैंड बोले चलो जल्दी से आ जाते हैं, और 9 बजे के अंदर ही आ जाएंगे ताकि तुम्हारा लाइव चालू हो जाए, और थोड़ा अच्छा लग रहा है घूम रहे बाहर। तो
हस्बैंड की कंपनी और ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस है, पूरा आप लोग देखते रहिएगा अभी। तो ये पूरा मेरा हस्बैंड का मतलब ऑफिस है और ये जहाँ से आप लोगों ने देखा है पूरा अभी देखते जाइए आप लोग का कितना बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड लेवल में भी आती है, आप लोग देखते रहिए और समझ जाइएगा कौन सी कंपनी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर पता रहेगा आप लोग को, तो वैसे मैं बता दूंगी कोई किसी दिन आप लोग को कौन सी कंपनी है मेरे हस्बैंड की। तो अभी तो आज तो ऑफिस की छुट्टी है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा शायद पता चल जाए आप लोग को। अभी गेट तो दिखाएगा, तो ये इतना दूर से यहाँ तक पूरा ऑफिस ही है उनका, देखिए ये खाली पार्किंग के लिए बनाया है। ये पूरा पार्किंग एरिया है, चार फ्लोर पार्किंग है, पूरा फोर्थ फ्लोर तक पार्किंग एरिया है, पूरा पार्किंग एरिया। तो देखते जाइए अभी तक भी कंपनी चालू ही है उनकी। और ये ऑफिस अभी हेड ऑफिस देखेंगे तो और भी बड़ा है, हेड ऑफिस तो इनका भी बाप है, सही ना, हेड ऑफिस तो और भी गजब है। मैं किसी दिन हम लोग जाएंगे तो आपको हस्बैंड का ऑफिस दिखाऊंगी मैं। तो ये है मेरे हस्बैंड का ऑफिस का बोर्ड, तो हो गया अभी मेरे हस्बैंड का ऑफिस, ये तो लाइटिंग वगैरह का है। तो आप लोगों ने देख लिया मेरे हस्बैंड का ऑफिस। और अभी जिस ऑफिस में मेरे हस्बैंड जाते हैं ना उसके लिए गेट पास लेना पड़ता है, तो लेंगे बोल रहे हैं मैं लूँगा, अभी तो नहीं ले रहे हैं गेट पास क्योंकि हम भी लोगों को टाइम नहीं मिल रहा जाने का। तो जिस दिन जाएंगे तो उस दिन उनका हेड ऑफिस दिखाएंगे, तो इसका समझ लीजिए जब ये इतना बड़ा है तो वो कितना बड़ा होगा हेड ऑफिस, तो वो और भी बड़ा है। उस साइड में दो कंपनी हैं उनकी, बहुत बड़ा ऑफिस है मेरे हस्बैंड का। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सिटी में और हम लोग कहाँ आए मैं बता दूँ आप लोग को, हम लोग आए हैं अभी डिनर देने के लिए। आज मुझे खाना बनाने का मन नहीं था क्योंकि ना जब से व्रत चल रहा था मेरा 9 दिन का तब से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। और खाना वगैरह ना कितना भी अच्छा अपने घर हाथ से बना लो लेकिन टेस्ट मतलब कैसा तो लग रहा है दवा वगैरह खा के। तो हस्बैंड बोले अच्छा चलो ठीक है आज बाहर से ही खिला देता हूँ तुमको, तुमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, दवा वगैरह खा खा के हालत ख़राब हो गई है। और बच्चों का भी वही नहीं है। बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मी कुछ अच्छा हुआ आज होटल से लेके आते हैं। हम लोग पहुँच भी चुके हैं, हमने दे दिया है ऑर्डर खाने का, अभी रेडी होके आ रहा है क्योंकि पार्सल लेके जाएंगे घर पे ही खाएंगे और यहाँ पे नहीं खाएंगे क्योंकि बच्चे लोग घर पे ही हैं तो हम लोग भी घर पे ही जा खाएंगे। और यहाँ हस्बैंड ऑर्डर दे के बैठ गए, ऑर्डर हो गया अभी खाना बन रहा है हमारा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हस्बैंड देख रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी से आ जाए खाना तो हम लेके जाएँ क्योंकि लाइव भी आना है और 9 बजे के पहले ही हमको घर पहुँचना है ताकि 9 बजे के पहले हम लोग लाइव आ सकें। सर दर्द कर रहा है इतना कि क्या ही बताऊँगा और एकदम ना घर का खाना खा रहा कि सब बोर हो चुके थे, सबको बाहर आना था तो सही खाना खाना था तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है बाहर का ही खा लेते हैं। गया फाइनली हमारा ऑर्डर और अभी हम लोग भी निकल रहे हैं और अभी 8:30 बज रहा है और 9:30 बजे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे घर ताकि लाइव आने में ले इतना हो, जल्दी जल्दी चलते हैं फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से लाइव में। तो हो गया पैक हमारा, हो गया ये रहा हमारा डिनर तैयार हो गया है। हस्बैंड गए हैं गाड़ी लेने के लिए अभी, तो गाड़ी लेके आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं अभी। तो ये रहा यहाँ का मार्केट और आगे तक है लेकिन अभी जा नहीं रहे हम लोग आगे तक। चलते हैं।
तो आ गए अभी हम लोग घर और मेरा लाइव भी हो गया, खाना वाना भी सब लोग खा लिए हैं, खाली मैं नहीं खाई हूँ, मैं जा रही हूँ खाने। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग बताइएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।